दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल के दिनों में निवेशकों ने आईपीओ में पैसे लगा करके अच्छा खासा पैसा बनाया है, लेकिन अगर आप आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमाने का मौका चूक गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते एक और आईपीओ आ रहा है। और आपको बता दूं कि न्यूरेका कंपनी है वो अपना आईपीओ ला रही है, तो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि न्यूरेका कंपनी दरअसल करती क्या है और आईपीओ की खास खास बातों के बारे में। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अगर आप पहले कभी नहीं आईपीओ में निवेश किए हैं तो कैसे निवेश करें, उसकी जानकारी भी हम देंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो सौरभ गोयल है, हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है न्यूरेका। कंपनी का मकसद कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी, ड्यूरेबल और इनोवेटिव टूल्स प्रोवाइड करना है ताकि उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार हो सके। कंपनी के पास वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें क्रॉनिक डिजीज प्रोडक्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स प्रोडक्ट, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट शामिल है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ के बारे में क्या है खास। तो आईपीओ 15 फरवरी को खुल रहा है और 17 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं आईपीओ प्राइस पर। आईपीओ के जरिए कंपनी 100 करोड़ रुपए जुटाएगी और इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 396 रुपए से लेकर के 400 रुपए प्रति शेयर, और 35 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 35 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,000 रुपए निवेश करने होंगे, 35×400। रिटेल निवेशक अधिक से अधिक 490 शेयरों में निवेश कर सकेंगे, यानी अधिक से अधिक 1,96,000 रुपए निवेश कर सकते हैं न्यूरेका के आईपीओ में। लेकिन जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए एक दिक्कत यह है कि 10% शेयर ही रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। 50 लाख रुपए के शेयर कंपनी ने अपने योग्य कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखा है। योग्य कर्मचारियों को इसके लिए प्रति शेयर 20 रुपए की छूट भी दी जाएगी, यानी जो योग्य कर्मचारी हैं कंपनी के तो उनको 396 से 400 रुपया भी प्राइस है तो उनको 20 रुपए की छूट मिलेगी, यानी 376 रुपए से लेकर के 380 रुपए प्रति शेयर उनके लिए मिलेगा आईपीओ। आईपीओ अलॉट की तारीख है 23 फरवरी, अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 24 फरवरी को, और निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होगा 25 फरवरी को, आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 फरवरी को और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा न्यूरेका आईपीओ के शेयर्स। आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी कंपनी, इसके अलावा सामान्य कारोबारी कामकाज में भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो 30 सितंबर 2020 तक खत्म हुई तिमाही में कंपनी का कुल एसेट्स 102.48 करोड़ रुपए था, वहीं कुल रेवेन्यू 122.97 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी जिसको बोलते हैं संक्षिप्त में 36.18 करोड़ रुपए रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप आईपीओ में पहले कभी निवेश नहीं किए हैं तो कैसे निवेश करें। तो आपको बता दूं कि शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सभी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं, हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो इस तरह न्यूरेका का आईपीओ आ रहा है अगले हफ्ते, और उसमें पैसे लगाना है या फिर नहीं लगाना है वो उसकी जांच आप खुद से करें और उसके बाद ही पैसे लगाएं। किसी की सलाह पर, किसी की टिप्स पर पैसे ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है। किसी भी मार्केट प्रोडक्ट में पैसे लगाना रिस्की होता है, तो आप खुद से तय करें कि आपको उसमें पैसे लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो इस एपिसोड का मेरा मकसद था न्यूरेका आईपीओ के बारे में जानकारी देना। आईपीओ में निवेश की सलाह का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने हिसाब से आईपीओ में निवेश करें या ना करें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।